सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। चीन भारत का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन भारत बड़े पैमाने पर चीन से आयात करता है और निर्यात बहुत कम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस ट्रेड में बदलाव दिख रहा है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बताया कि चीन से आयात वर्ष 2020-21 में 7.2% घटकर 65.21 बिलियन डॉलर रह गया है, जो वर्ष 2018-19 में 70.31 बिलियन डॉलर का था। अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दूसरी ओर चीन को भारत का निर्यात वर्ष 2020-21 में 26% बढ़कर 21.18 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो वर्ष 2018-19 में 16.75 बिलियन डॉलर का हुआ था। मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार स्तर हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसमें चीन को होने वाले भारतीय निर्यात पर गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपाय करना शामिल है। एक अलग जवाब में मंत्री ने कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा पहले के 48.65 बिलियन डॉलर के मुकाबले वर्ष 2020-21 में घटकर 44.02 बिलियन डॉलर रह गया। कोरोना काल में साल 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़कर 125.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। यह पहली दफ़ा है जब दोनों देशों के बीच व्यापार 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया है। पिछले साल भारत ने चीन से कुल 97.5 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि 28.1 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इस तरह ट्रेड डेफिसिट 69.4 बिलियन डॉलर का रहा। पिछले 5 सालों में चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो यह लगातार बढ़ रहा है। साल 2017 में चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट 51.8 बिलियन डॉलर का था, जबकि 2021 में ये बढ़कर 69.4 बिलियन डॉलर का हो गया। भारत चीन से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी का आयात करता है। इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले API केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स का आयात किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में भारत ने निर्यात का इतिहास स्तर पार किया है। चालू वित्त वर्ष में भारत से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 37% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।